नमस्कार, मानस मिश्रा ऑनली न्यूज नेशनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धोखाधड़ी और कांग्रेस शायद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि आज के आप जो खबर दिखाने जा रहे हैं, कांग्रेस के सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। जी हां, कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, 210 करोड़ रुपए आईटीआर में फर्जीवाड़ा किया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अभी ईडी के चंगुल में, आखिरकार क्या है पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं। शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके खातों को सीज कर दिया गया है। और अब बताइए आखिरकार खाते किसके सीज होते हैं। कुछ देर रुकिए, अभी आपको सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। और आज कांग्रेस फिर से सड़कों पर उतरेगी, और कांग्रेस का यही चाल चरित्र और चेहरा है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, कांग्रेस ने आज आरोप लगाते हुए दावा किया उनकी पार्टी और यूथ कांग्रेस के अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई टैक्स संबंधित 2018-19 के नोटिस को लेकर हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उन्हें कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही उससे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी गई है। आपको बता दें, अगर इनकम टैक्स किसी को इस तरह से नोटिस भेजता है तो साहब उसको पास पूरा खुली आजादी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। आखिरकार कांग्रेस के जब 200 करोड़ 10 रुपए की रिकवरी का लेटर आया हुआ है तो आपका प्रूफ है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और कहिए कि देखिए 210 करोड़ रुपए मुझसे फर्जी मांगे जा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ मीडिया में आकर मीडियाबाजी करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाले का काम भेजा होगा कि इनकम टैक्स की चोरी की है, या कांग्रेस इसको झूठ कहीं ना कहीं कर दिखाकर फैला रही है। इस सब पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कांग्रेस को अब 200 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए का अगर रिकवरी की मांग की गई है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्यादा उनको इसका है कि वो कोर्ट में जाकर के आईटी डिपार्टमेंट के खिलाफ केस कर दे। लेकिन पता है आपको कि कांग्रेस कभी भी ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है जहां उसके अंदर चोरी उसने किया होता है। इवन जब जहां गलती भी किया होता है वह भी वहां पर, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके भी वो उल्टा ही बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई बार राहुल गांधी इस तरह की बातें भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो हैं वो अजय माकन है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि बैंक द्वारा जारी किए जा रहे चेक स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आगे की जांच करने से हमें पता चला है कि यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं तो यह लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के 4 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। माकन ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी जब मिली तो बैंकों के पार्टी द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए गए हैं, वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा एक जो सोर्स है वो खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस ने के कोषाध्यक्ष माकन ने भी कहा कि हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारी के वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी, ये लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। अजय माकन ने यहाँ ये भी कहा कि हमें बताया गया है कि देश के मुख्य विपक्षी पार्टी सारे बैंक जो है वो
अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी के खातों के तालाबंदी हो गई। हमें पता चला है कि युवा कांग्रेस के बैंक अकाउंट जो फ्रीज किए गए हैं उनको लेकर के इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और 210 करोड़ रुपए अब वसूली के लिए मांग रही है। हमारे खातों को जो फ्रीज किया गया उसे दो हफ्ते पहले चुनाव के ये सारा काम कर चुके हैं। एक मीडिया ब्रीफिंग में अजय माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ऐसा करना कहीं ना कहीं उनको सीधे तौर पर उनको इस चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आखिरकार अगर क्राउड फंडिंग या किसी भी तरह से किसी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है तो ऐसे में उसका जवाबदेही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बनती ही है, और बैंकों ने अगर वो सीज किया है तो बैंकों के पास भी कोई लेटर आया होगा, और अगर आप पैसे निकाल नहीं पा रहे हो तो आपको भी एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाइए और केंद्र सरकार को घसीट लीजिए, इनकम टैक्स को घसीट लीजिए कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा आपका। अगर आपने चोरी किया है तो पैसा तो आपको भरना पड़ेगा, 210 करोड़ रुपए का चोरी का है जो इनकम टैक्स के मामले में, उस मामले में आपको तो कम से कम आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि ये 2018-19 का मामला है जब आयकर रिटर्न के आधार पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई। जी आपको बता दें ये 210 करोड़ रुपए खाते में नहीं, इनकम टैक्स का अमाउंट है 210 करोड़ रुपए। ये है असली कांग्रेस कि जो महाराजा वो इनकम टैक्स देंगे नहीं, महाराजा तो इनकम टैक्स देंगे नहीं, वो तो इनकम टैक्स लेते हैं, लोगों से धांधली करके पैसे लेते हैं और वो सारे पैसे इटली और कहां कहां जाते हैं। अजय माकन ने कहा इस मामले को लेकर आयकर अपीलीय अधिकरण का रुख किया है और उम्मीद है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करेगी। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी खाते सील होने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने असंवैधानिक चुनाव बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट जगत से पैसे लिए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका है इनकम टैक्स का लगा है, और आपको बता दें कांग्रेस नेता आगे कहा कि 2018-19 के इनकम टैक्स फाइलिंग के आधार बनाकर करोड़ रुपए की ये मांग करना बड़े शर्म की बात है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ, लोकसभा चुनाव से पहले हमारे अकाउंट को फ्रीज करना, कांग्रेस पार्टी मेंबर साहिब ड्राइव जो है के जरिए यूथ कांग्रेस के पैसा इकट्ठा करती थी वो भी फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने यह भी कहा कि अगर रिटर्न फाइल करने में देर हो गई लेकिन 45 दिन का टाइम दिया गया था, जिसका मतलब यह है कि खाता फ्रीज कर दिया जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सब कुछ प्रभावित हो गया, उसके पास अब किसी तरह के पैसे नहीं बचे हैं। अब बता दें आपको एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को वैध नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाते हुए सीबीआई से एसबीआई से कहा था कि चुनाव आयोग के बॉन्ड का पूरा ब्यौरा मुहैया कराया जाए, और कोर्ट चुनाव आयोग को भी आदेश दिए गए थे कि ब्यौरे को सार्वजनिक कर दिया जाए। तो ये है आखिरकार कांग्रेस का असली चेहरा। 210 करोड़ रुपए 2018-19 में डकारे थे, वो पैसे टैक्स के पैसे जो है आम जनता के पैसे हैं वो डकार गए, और आज जब इनकम टैक्स उससे मांग रहा है, अंतिम आखिरी उसके पास यही हथियार बचा था कि उसके अकाउंट को फ्रीज किया जाए। जब अकाउंट को फ्रीज किया गया तो आप कांग्रेस बिलबिलाते हुए बाहर आई, इससे पहले नोटिस पे नोटिस आते रहे लेकिन कांग्रेस के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।